तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट गाजर के हलवे की रेसिपी। ओके, सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। आप पैन ले, पतीला ले, कुकर ले, हांडी ले, कढ़ाई ले, जो भी आपका मन हो, जो आपको सुटेबल लगे आप वो लीजिए। ओके, पैन मेरा अच्छे से हीट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बटर। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बटर। गाइस, हमारा बटर देखिए आप अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg गाजर। अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इस हॉट हॉट बटर में मैं इन ग्रेटेड कैरेट्स को ऐड कर दूंगी। हमारी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, इसने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब 3 मिनट इसको पकाते हुए हो गए हैं, 2 मिनट हम और पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। गाइस, कैरेट को 5 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। ये आप देखिए मेरा इतना बड़ा बाउल है, ऐसे 2 बाउल्स में इसमें शुगर ऐड करूंगी। ये मैंने यहाँ पे 1 बाउल ऐड करा। देन 1/2 बाउल में इसमें और ऐड करूंगी। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे एंड 10 मिनट्स तक हम इसको वापस से भूनेंगे। शुगर ऐड करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है और कैरेट ने भी अपना सारा वाटर रिलीज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ही अच्छे से पकाना है ताकि इसमें कैरेट का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल उभर कर आए। ऐड करूंगी कुटी हुई इलायची, आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची ली और उसको कूट लिया। चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इलायची डालना ना भूलें, बिकॉज इलायची से एक इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू और एक बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल फ्रेशनेस वाला टेस्ट आएगा। गाइस, इलायची पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। यहाँ पर मैंने 1 kg मिल्क लिया है, दिस इज फुल फैट मिल्क, राइट। इसमें पूरा क्रीम डला हुआ है, 1 kg मैंने मिल्क लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्लोली स्लोली। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताना चाहूंगी, जब आप देखेंगे कि मिल्क सारा ड्राई हो चुका है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूसली आपको चलाते रहना है, बिकॉज जैसे ही आपका हाथ रुकेगा ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो पूरी ड्राई हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली इसको चलाते रहना है। गाइस देखिए हलवा हमारा परफेक्टली बनके तैयार है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है गाइस। अब इसको मैं क्या करूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं और पकाऊँगी, बिकॉज ये नीचे से थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो रहा है, तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। गाइस, गाजर का हलवा हमारा बनकर पूरा तैयार है। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा
एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी नट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू डाला है इसमें। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी बादाम। एंड खोया, जिसको कुछ लोग मावा भी बोलते हैं। गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको मैंने कुछ इस तरह से गार्निश किया है, देखिए। कुछ मैंने नट्स डाले हैं, काजू, बादाम एंड थोड़ा सा मैंने इसमें खोया डाला है। और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा खोया रखा है।